नागपुर के सेंट्रल जेल में G+1 की दो इमारतों का निर्माण शुरू है। इन दोनों इमारतों में 8 नए बैरक बन रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मार्च 2023 तक इन दोनों इमारतों को जेल प्रशासन के हवाले कर दिया जाएगा। G+1 की एक बैरक में 4 बैरक होंगे। पहली इमारत में बन रहे 4 बैरक में अंडर ट्रायल कैदियों को रखा जाएगा। गौरतलब रहे कि नए बैरक बनने से जेल प्रशासन के पुराने बैरक पर कैदियों का बोझ कम हो जाएगा। नागपुर शहर के सेंट्रल जेल में 4 नए बैरक में रखे जाएंगे अब अंडर ट्रायल कैदी। जी हां, नए बैरक बनने से अब जेल प्रशासन के पुराने बैरकों पर कैदियों का बोझ कम हो जाएगा। गौरतलब रहे कि मार्च 2023 तक लोनेवी कार्य पूरा कर जेल प्रशासन के हवाले करेंगे दोनों बिल्डिंग। इससे अब कोई भी बैरक में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत। सूत्रों के अनुसार सेंट्रल जेल में 8 नए बैरकों का प्रस्ताव करीब 5 वर्ष पहले PWD यानी कि सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के मार्फत शासन के पास भेजा गया था। आपको बता दें कि जब सेंट्रल जेल में 5 कैदी भागे थे तब वॉच टावर को लेकर भी चर्चाएं उठी थी। उस दौरान जेल में 4 नए आधुनिक वॉच टावर बनाने के लिए करीब 75 लाख रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर भी काफी मंथन हुआ था। ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते से बाहर आने की जानकारी है। इसके लिए जल्द ही कार्य को प्रगति पथ पर लिए जाने की जानकारी है। NBC न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।